टेलीविजन और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मौनी फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी शादी को लेकर काफी बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मौनी जल्द ही सूरज नाम्बियार की दुल्हन बनने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें सूरज के साथ उनके परिवार को देखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन तस्वीरों में मौनी ने सूरज के पेरेंट्स के लिए मॉम डैड भी लिखा। रिपोर्ट्स के अनुसार मौनी और सूरज ने कुछ दिनों पहले ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है। मौनी की मां ने सूरज के माता पिता से मुलाकात की थी। परिवारों की ये मीटिंग मंदिरा बेदी के घर हुई थी। इस दौरान इस मीटिंग में मौनी के भाई भी मौजूद थे। बताया जाता है कि ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। मंदिरा बेदी मौनी रॉय की काफ़ी अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के रिलेशनशिप की चर्चाएं काफ़ी समय से थी। अभिनेत्री को दुबई में सूरज नाम्बियार और उनके परिवार के साथ नए साल का स्वागत करते देखा गया था। बता दें, जब देश में हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान मौनी अपनी बहन और परिवार के साथ दुबई में थी। अभी तक दोनों की शादी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले वो मोहित रैना के साथ रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियों में रही थी। हालांकि इन दोनों का ब्रेकअप भी काफ़ी पहले हो चुका है। मौनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू से की थी। इसके बाद उन्होंने कई सीरियल किए। मौनी रॉय फैंस के दिलों में तब जगह बना पाई जब उन्होंने धारावाहिक सीरियल देवों के देव महादेव में देवी सती का किरदार निभाया था। एक्ट्रेस को एकता कपूर के लोकप्रिय शो नागिन में भी देखा गया। फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगी। मौनी की डेब्यू फिल्म गोल्ड थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार नजर आए थे।